खबर बागपत उत्तर प्रदेश से है। जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा कैदियों के स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का प्रचार प्रसार करने के लिए एड्स जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर द्वारा एड्स बचाव के बारे में कैदियों को सुझाव दिया गया। जैसे जैसे बचाव सचिव भगत सिंह द्वारा जेल में सजा काट रहे कैदी को सामान्य जन्म जीने का भी मंत्र दिया। सजा पूर्ण करने के उपरांत ही सामान्य नागरिक के तहत जीवन यापन करने का संदेश देते हुए इंसान को अपराध करने से पूर्व परिवार के बारे में सोचना चाहिए। इस मौके पर शिविर में जिला जेल के जेलर आकाश शर्मा द्वारा कैदियों की गायकी का मंचन की प्रस्तुति दी गई। प्राइम बी की न्यूज चैनल के लिए वीरेंद्र तोमर, बागपत उत्तर प्रदेश। देखिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से ये एक पैरेलल प्रोग्राम है कि जो हमेशा संचालित होते रहते हैं और जिले लेवल पर सचिव यानी हमारे माध्यम से विधिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से खासकर मतलब और सोसाइटी तो जेल में चूँकि इस समय की संभावना ज़्यादा रहती है कि जो HIV के लोग हो सकता है ऐसे ज़्यादा हों तो जेलों में है या नहीं है इस सब को हमने कैंप ही नहीं हमारी अभी वर्तमान में कल से आज से टेस्टिंग हो रही है और जो अगले 2-3 दिन में पूरी टेस्टिंग कराई जाएगी और इसके लिए इन लोगों को जो कि मेन सोसाइटी से थोड़ा अलग रहते हैं तो इनको जागरूक करके कि ये गलत नशे या किसी जिन से जिन जिन एक्टिविटी से सेक्स और सुई नशा जबरदस्त जो उनको जानकारी नहीं है तो उन चीज़ों से जो HIV होने की ज़्यादा समा उनको जागरूक करने के लिए विधिक साक्षरता शिविर का यहाँ पे आयोजन किया गया था और ये एक पैरेलल कार्यक्रम है। यहाँ है सोसाइटी में है यहाँ चूँकि जेल अधीक्षक साहब इनकी निगरानी में ये चीज़ें होती हैं तो इनको भी हमने कहा था कि हमें उसको लगाना है और CMO साहब के माध्यम से टीम भेज के यहाँ पर बराबर उसका टेस्टिंग हो रही है तो ये समाज का ही एक पार्ट है जो कि हम सब लोग आप लोगों की जिम्मेदारी कि इन्हें भी इस चीज़ से जागरूक बनाया जाए कि इस सब चीज़ों से दूर रहे और जो हमारी सरकार और हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की जो मंशा है कि स्वस्थ जीवन रहे लोगों का आचार विचार सही रहे और उस चीज़ में ही इस चीज़ की जागरूकता भी एक ज़रूरी है कि जो इसका जो प्रकोप है वो कम से कम घटे और ये बाहर भी निकले तो सोसाइटी में इनके माध्यम से अगर एक भी गया तो उसके बढ़ने की संभावना है तो यहाँ पर उनकी संख्या के है या नहीं है सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता एवं उनकी टेस्टिंग का हम कार्यक्रम चला रहे हैं तो निरंतर चलता रहता है टाइम टू टाइम भी तो यही मंशा है कि सब लोगों में जागरूकता बने और ये बाहर निकलेगा सभ्य समाज के नागरिक।